हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम अ फाइल। द फाइल इज क्रिएटेड बाय यूजर, मतलब जो लास्ट वीडियो में हमने फाइल क्रिएट किया था, अब उसमें से हमें डेटा रीड करना है। तो हम देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। तो हम ऑनलाइन सी कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन किया है onlinegdb.com। तो इसमें पहले आपको लिखना है, दो हेडर फाइल्स इंक्लूड करने हैं, stdio.h, standardlibrary.h और string.h भी आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। फिर लिखना है int main file pointer *fp। इसमें हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग लिया ऑफ लेंथ 80 कैरेक्टर्स। अब हम जो फाइल हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी, ये देखिए हमारा data.txt फाइल हमने क्रिएट किया था, जिसमें हमने लिखा था दिस इज माई फर्स्ट फाइल, आई लाइक सी प्रोग्रामिंग। तो अब क्या करना है, ये जो data.txt फाइल है इसको हमें रीड मोड में ओपन करना है। अगर फाइल पॉइंटर नल है तो एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, अदरवाइज हमें एफ गेट एस ये फंक्शन यूज करना है। और यूजिंग स्ट्रिंग एस हमें कैरेक्टर्स वहां से डिस्प्ले करने हैं स्क्रीन पे, वहां से कैरेक्टर रीड करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। और हम लेंगे 79 कैरेक्टर, बिकॉज स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो होता है /0। तो अब हम करेंगे फाइल पॉइंटर यूज करके एफ गेट एस फंक्शन यूज करते हैं और फाइल में से डेटा रीड करेंगे अनलेस अंटिल इट इज नल। सो प्रिंट एफ परसेंटेज एस, एस का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर हम स्लैश एन करेंगे, उसके बाद एफ क्लोज। तो ये प्रोग्राम को आप रन कर दीजिए। बेसिकली हमारा जो एफ गेट एस फंक्शन है वो डेटा रिट्रीव कर रहा है फाइल में से, और फिर हम प्रिंट एफ यूज करके जो एस की वैल्यू वो हम स्टोर कर रहे हैं। सो आई होप दिस टाइप ऑफ आउटपुट यू विल गेट एंड दिस प्रैक्टिकल इज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।